आइए एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें इस इक्वेशन को चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। द फॉर्म ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। हम जानते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो होता है, जहां ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा। इस इक्वेशन में ए की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। अगर ए की वैल्यू जीरो हो रही है तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं होगा। अब हमें भी अपने क्वेश्चन में दिए हुए इक्वेशन को रिड्यूस करके एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लाना है, फिर हम चेक कर पाएंगे कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। क्वेश्चन में जो इक्वेशन दिया हुआ है वो है 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। डेट इज इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर 2x इंटू माइनस 3 माइनस 6x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एक्स इंटू माइनस 1 माइनस एक्स 5 इंटू एक्स प्लस 5x 5 इंटू माइनस 1 माइनस 5। दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 माइनस 6x माइनस x माइनस 7x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x यानी प्लस 4x माइनस 5। डेट इज 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। इस पूरे टर्म को अपोजिट साइड लाने पर इसकी साइन बदल जाएगी। डेट इज 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x माइनस 11x प्लस 3 प्लस 5 plus 8 is equal to 0. It is of the form ax square plus bx plus c is equal to 0. Hence, this is a quadratic equation.